एक बार फिर देश का किसान देश की सरकार को आंख दिखा रहा है। एक बार फिर देश का किसान वर्सेस पीएम मोदी होता दिखाई दे रहा है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसानों का दिल्ली मार्च दिल्ली पहुंचने से पहले ही कैसे अपने उस कोशिश में कामयाब हो गया जिस कोशिश के लिए किसान ये मार्च कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे ये भी बताऊंगी कि अंबाला के शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हालात क्या हैं और कैसे किसान वहां पर कश्मकश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए उदाहरण है, ये वीडियो उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक तमाचा है जो देश के किसान को ऐसा समझते हैं जैसे कुछ उसे आता ही नहीं है, या उसको किसी बंदिश से या किसी बैरिकेड से या उसके आगे सुरक्षा फोर्स लगाकर या कीले ठोककर उसे रोका जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो किसान फावड़ा उठाकर देश की सरजमी को खोद कर उसमें हमारे लिए आपके लिए अनाज उगा सकता है, देश का पेट भर सकता है, उसके लिए फावड़ा उठाकर अपने लिए रास्ता बनाना कौन सी बड़ी बात है भाई। देश के किसान दिल्ली मार्च करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, बड़े बड़ी कीले लगा दी गई, बड़े बड़े गड्ढे खोदकर ऐसा रास्ता खराब कर दिया गया कि किसानों के जो ट्रैक्टर है ना उन रास्तों में चल ही ना पाए। लेकिन आप देखिए देश के किसानों ने उन गड्ढों का क्या हश्र किया है। वो ट्रैक्टर जिन पर अपना सामान सहित अपने लोग सहित किसान दिल्ली कूच कर रहे थे दिल्ली मार्च के लिए, उन ट्रैक्टरों के सामने जब ये गड्ढे आए तो इन गड्ढों पर किसान के फावड़े ऐसा लगा जैसे मजाक करने लगे, इन गड्ढों पर हंसने लगे। देखिए कुछ किसान जब देखते हैं कि आगे गड्ढा है और गड्ढे से ट्रैक्टर आगे ले जाना बहुत मुश्किल होगा, तो एक ऐसी जगह जहां रास्ता ही नहीं है जाने का, वहां कुछ किसान कैसे हाथ से फावड़ा लेकर रास्ता बनाते हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, एक शख्स ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है, उसका काम ट्रैक्टर को चलाना है, ट्रैक्टर को बार बार आगे चला रहा है ये शख्स, ट्रैक्टर के जरिए रास्ता बना रहा है ताकि उसके बनाए हुए रास्ते से बाकी ट्रैक्टर्स भी गुजर सके। लेकिन मुश्किल ये है कि ढलान काफी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि खोदा गया है इस रास्ते को, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ट्रैक्टर के जाने का रास्ता नहीं है। तो ये जो खुदाई है और नीचे जाकर ट्रैक्टर के लिए मुश्किल ना पैदा हो, इसीलिए आसपास के जो किसान हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर से उतरते हैं, फावड़ा लेते हैं और खोदना शुरू कर आसपास की जो मिट्टी थी, उसी गड्ढे के आसपास की जो मिट्टी थी उसी मिट्टी से उसी गड्ढे को भरना शुरू कर देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रैक्टर आगे गुजरता है। जितनी बार ट्रैक्टर आगे गुजरता है मिट्टी दबती है, लेकिन फिर किसान फावड़े को और चलाते हैं और फावड़े के जरिए रास्ता बनाते हैं और फिर ये किसान जो एक ट्रैक्टर पर बैठा हुआ है वो इसी फावड़े के बनाए हुए रास्ते से आगे गुजरता है। दोस्तों इस वीडियो में दिखाया गया है कि किसानों की जो एकता होती है वो जब जमीन पर उतरती है तो उसके लिए कोई भी गड्ढे में रास्ता बनाना या किसी भी रास्ते में गड्ढा खोदना उसके लिए क्या ही बड़ी बात है। मतलब आप खुद सोचिए, किसान के लिए ट्रैक्टर से रास्ता बनाना या ट्रैक्टर से मिट्टी दबाना या फावड़े से खोद कर किसी गड्ढे को भर देना के लिए क्या ही बड़ी बात है। जो लोग ये समझते हैं कि गड्ढा खोद कर किसानों को रोका जा सकता है, इसका मतलब वो किसानों को जानते ही नहीं। ऐसे बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी दोस्तों। कल भी मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी जिसमें बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की तैयारी थी, लेकिन किसानों ने पुलिस के लगाए इस बैरिकेड का ऐसा मजाक उड़ाया कि पूछिए मत। पुलिस देखती रह गई, पुलिस का बल देखता रह गया और बैरिकेड से साइड से बड़े आराम से किसान ट्रैक्टर लेकर यहां से निकल गए। दोस्तों इन दोनों वीडियोस को गौर से देखिए, ये वीडियोस उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो सोचते हैं कि देश का जो किसान है उसको कुछ आता नहीं, वो बस खेती बाड़ी करता है, उसका IQ लेवल जीरो है, उसका IQ लेवल इस देश में कोई बिजनेसमैन या इस देश का कोई प्रोफेशनल है ना उससे कहीं ज्यादा है। मैं तो मानती हूँ कि जो आदमी गाँव में रह रहा है ना उससे ज्यादा होशियार, उससे ज्यादा सयाना कोई होता ही नहीं है। इन दो तस्वीरों में देश के किसानों ने वो दिखा दिया। एक जगह उनका रास्ता रोका गया तो उन्होंने साइड से अपना रास्ता बना लिया और पुलिस वाले बस देखते रह गए, वो खड़े थे अपने बैरिकेड लेकर और किसान बड़े आराम से साइड से ट्रैक्टर चलाकर निकल गए। और एक जगह रास्ता खोदा गया था, रास्ता ही नहीं था, वहां किसानों ने खोद कर मिट्टी को इकट्ठा करके मिट्टी के ही जरिए रास्ता बना दिया और उसके बाद इस तरह से किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर आगे बढ़ गए। ये होती है किसानों की एकता, जो जब जमीन पर दिखती है तो सरकारें थर थर कांपती हैं। इसीलिए
सरकार चाहे कोई भी हो कभी नहीं चाहती कि किसान एकता के साथ जमीन पर उतरे, क्योंकि ये एकता उसके लिए मुश्किलों का सबब बन जाती है। और यही हाल इस वक्त मोदी सरकार का भी है। दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश में ना हो, लेकिन वो जहां भी हैं उनके कानों तक हर खबर पहुंच रही होगी कि देश का अन्नदाता सड़कों पर है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि अब लोकसभा चुनाव में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है। पूरा देश देख रहा है कि इस देश के अन्नदाता के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। सड़क पर उसके लिए कीले खोदी जा रही हैं, कीले लगाई जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी कीले। आप सोचकर देखिए दोस्तों, अगर इस कील पर कोई गिर गया, गलती से भी अगर इस कील पर कोई गिर गया, मतलब उसका क्या हाल होगा, कितनी बुरी तरह से वो लहूलुहान होगा। कीले लगाने वालों ने एक बार सोचा भी नहीं कि इंसानी शरीर अगर इस पे गिर गया तो उसका क्या हाल होगा। और वो जो गिरेगा वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की सरकार में, देश के प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि वो देश के किसानों को कीलों के जरिए रोक रहे हैं। और तो और, स्थिति यहाँ पर अंबाला के शंभू बॉर्डर की भी समझनी चाहिए दोस्तों। अंबाला के शंभू बॉर्डर में पथराव और चारों ओर धुआं ही धुआं है। वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बार बार पुलिस किसानों को रोकने के लिए टियर गैस छोड़ती है, किसान पीछे जाते हैं, अपना चेहरा ढके हुए हैं तमाम किसान, आंखों को उन्होंने ढका हुआ है गीले कपड़े से। फिर किसान पीछे जाते हैं तो पुलिस थोड़ी अपना मोर्चा संभालती है, और फिर किसान आगे बढ़ते हैं तो किसानों पर एक बार फिर से टियर गैस छोड़ी जाती है। इसके अलावा वहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ड्रोन से आंसू गैस गोले दागे जा रहे हैं, यानी कि शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही है वो पुलिस और किसानों के बीच के टकराव की तस्वीरें आ रही हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। और इस बीच ये भी सुनने में आ रहा है, न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि किसानों ने ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ दी है, सीमेंट का एक बैरिकेड हटा दिया है। तो कुल मिलाकर शंभू बॉर्डर पर जो हंगामा है वो जबरदस्त है। और बैरिकेड हटाने की ये देखिए, ये विजुअल भी सोशल मीडिया में काफी वायरल है। ये बैरिकेड लगाया गया था ताकि किसानों को रोका जाए, और किस तरह से किसानों ने उसके बाद जो लोग वहां पर थे उन्होंने उस बैरिकेड को हटाया, और किस तरह से इस बैरिकेड को देखिए यहां पर हटाकर उखाड़ा जा रहा है, ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, और दूर कैमरे से इन तस्वीरों को कैप्चर किया जा रहा है। इस बीच मोदी सरकार की लगातार आलोचना करते और किसानों के साथ लगातार खड़े दिखते बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस पूरे मामले में किसानों की आवाज उठाते हुए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, तानाशाही मोदी सरकार ने हटकर रवैया अपनाया हुआ है और किसानों की जायज मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे दुखी किसान आज फिर से किसान आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकृति अपने धरती पुत्रों को हिम्मत दे, बल दे, ऊर्जा दे और सबको सुरक्षित रखे। वहीं इस पूरे मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां हरियाणा सरकार को अच्छी खासी लताड़ लगाते हुए चीफ जस्टिस ने पूछा, केवल आपके राज्य से वो लोग गुजर रहे हैं, उन्हें आने जाने का अधिकार है, आपने सीमा क्यों अवरुद्ध कर दी, आप परेशान क्यों हैं, क्या वे हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं, आप सड़कें क्यों रोक रहे हैं। यही नहीं, बल प्रयोग के मामले में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि किसी भी स्थिति में बल प्रयोग अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में संतुलन होने की बात भी कही और परसों इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। दोस्तों, शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो कतई अच्छी नहीं है, और टकराव चाहे किसी भी तरफ से हो, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, और इस तरह के टकराव से दोनों ही पक्षों को बचना चाहिए। हालांकि बार बार इस वीडियो के जरिए भी अपने किसान भाइयों से भी मैं गुजारिश करूंगी, किसान भाई खुद भी जानते हैं कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करने आए, और किसानों का कहीं भी शंभू बॉर्डर में रुकने का प्लान भी नहीं था, शंभू बॉर्डर में तो उनको रोका जा रहा है। किसानों का प्लान तो दिल्ली आकर सरकार से सवाल पूछने का है, एमएसपी को लेकर जो उनकी मांगे अब तक अधूरी हैं उस पर विचार, सरकार क्या कर रही है, क्यों फैसला नहीं लिया गया, इस पर बात करने का है। किसान तो अब भी कह रहे हैं कि हम सरकार के जनप्रतिनिधियों से बात करने के लिए तैयार हैं। कल रात तक किसानों की मोदी सरकार के मंत्रियों से बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कश्मकश किसानों और प्रशासन के बीच बनी हुई है, वो वाकई में एक सवाल उठाती है कि आखिर देश का अन्नदाता अगर देश की सड़क पर उतरेगा तो फिर आपका हमारा पेट कौन भरेगा। ये बड़ी अजीब सी विकट की स्थिति मोदी सरकार के सामने पैदा नहीं हो गई है क्या? क्या वाकई में ये आंदोलन किसान आंदोलन 2.0 बनता जा रहा है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।